गाइस बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है, देख सकते हो। देखने लायक है नेक्स्ट लेवल का। गाइस फाइनली पहुंच गए। शायद गाइस ये केदारनाथ का ट्रैक होता, दिल को इतना ज्यादा सुकून मिलता। फिर रखेंगे द अन्नू भुट्टे वाला गाइस। तो जय हिंद जय श्री दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो, आई होप कि सब लोग बढ़िया मस्त खुश होते हो। गाइस आज है मेरा डे 23 एंड आज मैं चलने वाला हूँ झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ पारसनाथ। तो सुबह का टाइम हो रहा है गाइस, देख सकते हो कुछ 5:14 हो रहे हैं। और गाइस कल रुका हुआ था इस जगह पे, देख सकते हो मस्त एकदम रूम जो कि फ्री में ऑफर कर दिया एक भैया ने, जो भी यहाँ कॉर्नर है उन्होंने पैसा नहीं लिया मेरे से। तो अभी चलते हैं फिलहाल ट्रैकिंग करने और देख लेंगे, सुबह का चाय वगैरह भी पी लेंगे बाहर निकल के अभी। और गाइस साइकिल यहाँ पर रखा हुआ था, देख सकते हो मस्त एकदम। अभी चलते हैं देखते हैं, गेट वेट तो लगा हुआ है लेकिन हो रहा है बारिश, देख सकते हो क्या करो अब, मतलब अंधेरा भी हो रखा है, टाइम भी ज़्यादा, मतलब 5 बज रहा है तो सुबह का भी तक पूरा मतलब क्लियर नहीं हुआ और देख सकते हो अंधेरा भी हो रहा है। देख सकते हो छतरी लेके मैं निकल गया, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रहा है, एक बार आवाज सुनो, सुन लिया गाइस, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रहा है। और मेरा पैर का देखो एक बार, चप्पल पहन के एंड पैंट को ऊपर किया एंड अभी डायरेक्ट सीधा चल रहा हूँ गाइस, देख सकते हो आगे पूरा बारिश हो रहा है वहाँ का। तो गाइस यार रुक गया चाय पीने, ये चाय पी रहा हूँ, देख सकते हो मस्त बारिश ने एकदम प्रॉब्लम कर दिया, क्या बोलूं। तो गाइस अभी देख सकते हो चाय पी रहा हूँ मस्त एकदम, क्या करूँ बारिश इतना ज्यादा हो रहा है, छतरी ऐसे पकड़ के ऐसे चाय पियो गाइस, शांति भी नहीं मिल रहा चाय पीने। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गाइस ट्रैकिंग पॉइंट, देख सकते हो 4 किलोमीटर पे एक मंदिर है, 6 पे 9 पे, फिर 9.5 पे गाइस पारसनाथ मंदिर है, अंजल मंदिर है गाइस कुछ 10 किलोमीटर पे, फिर उसके बाद गाइस दोबारा 1 किलोमीटर 11 पे एक मंदिर है। और मैं चलता जा रहा हूँ गाइस, बारिश तो गाइस धीरे धीरे तेज बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह का तो गाइस ब्रेकफास्ट अभी किया नहीं, बस चाय पिया, और बारिश देख सकते हो गाइस धीरे धीरे तेज ही बढ़ रहा है। और गाइस अगर आप लोग चढ़ना चाहते हो, अगर पैदल नहीं चढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर घोड़े खच्चर का कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर बाइक चलता है गाइस कुछ 500-600 रुपये लेता है, बाइक की आप लोगों को चला देता है डायरेक्ट वहाँ पर। और एक दूसरा ऑप्शन है गाइस पलकी, जहाँ पर बिठा के 4 लोग आप लोगों को ले जाता है, उसका तो प्राइस कुछ ज़्यादा ही है। तो और अगर आप लोग यहाँ पर आओ रूम वगैरह का गाइस, मैं जहाँ पर रुका हूँ जैन भवन, जो कि सस्ते में वहाँ पर रूम वगैरह मिल जाता है, 300-400 रुपये में गाइस रूम मिल जाता है, लेकिन मेरा तो फ्री था वहाँ पर। तो अभी चल रहा हूँ फिलहाल, देख सकते हो पूरा कीचड़ फीचड़ एकदम, मज़ा गाइस एडवेंचर होने वाला है काफ़ी ज़्यादा, मेरे को पता चल गया, तो चलते रहते हैं। तो गाइस देख रहे हो कितना मस्त सीन है, बारिश इतना तेज हो रहा है, छतरा लेके मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे करके। शायद गाइस ये केदारनाथ का ट्रैक होता, दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिलता ना आप लोगों को क्या ही बताओ, बहुत सपना है गाइस केदारनाथ जाने का। और अभी चढ़ता जा रहा हूँ गाइस, लोग कह रहे हैं गाइस 3 घंटा लगेगा चढ़ने में, और मैंने कुछ 5:30 बज गया था चढ़ते स्टार्ट किए हुए, और कुछ अभी 20 मिनट चल गया है, मैं 5:50 हो रहा है देख सकते हो। तो देखते हैं गाइस कितना टाइम में चढ़ता हूँ, मैं तो बहुत कम कम रुक रुक के चढ़ रहा हूँ, देखते हो कितना टाइम लगता है चढ़ने में, आप लोगों को बताएंगे। और ये जो गाइस मंदिर है, ये है जैन धर्म का तीर्थ स्थान और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ पे बसा हुआ है, तो इसके वजह से मैं अभी आ गया। और मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है गाइस, ऐसे भी जो जो भी फेमस मंदिर है उन सब में विजिट कर रहा हूँ, तो इसमें भी आना था गाइस। तो चलते हैं, अभी चढ़ता रहता हूँ, अभी तो मतलब पूरा उजाला हुआ नहीं, अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा टाइप का ये देख सकते हो, और कुछ मतलब अकेला अकेला ही चल रहा होगा, बहुत कम लोग चल रहे हैं, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है देख सकते हो, पूरा खाली खाली है। अब थोड़ा चलने में भी मजा आ रहा है देख सकते हो, पीछे भी बहुत सारे लोग मिल गया, और जो रोड है गाइस वो भी पूरा क्लीन है, तो अच्छा लग रहा है गाइस। मतलब मैं जो वैष्णो देवी जा रखा हूँ एक बार, तो उस टाइम पे जो गाइस रोड में मतलब घोड़ा होता है बहुत चलता है, तो इतना ज्यादा रोड गंदा रहता है, क्या बोलो यहाँ का रोड देख सकते हो पूरा एकदम क्लीन है मस्त है, मतलब ये थोड़ा पानी चल रहा है तो इसके वजह से पानी आ रखा नहीं, तो वैसे क्लीन पूरा रोड देख सकते हो आगे भी। एंड गाइस बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या बोलूँ, बारिश जो है ना होता ही जा रहा है, तेजी में होता ही जा रहा है। और बारिश में भी चलने का गाइस अलग मजा है, एक मतलब पत्ते वगैरह की जो कलर दिखता है ना गाइस वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, देख सकते हो पूरा बारिश से धुल जाता है पहाड़ में गाइस, देख सकते हो कितना मस्त सीन हो रहा है फिलहाल। अगर बारिश के टाइम पे आओ तो छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग करने को भी मिलेगा गाइस, देख सकते हो छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग चलो तो साथ में जो अपने साथ बिस्किट वगैरह स्नैक्स वगैरह हमेशा लेकर चलो, क्योंकि जो यहाँ पे जितने भी दुकान है गाइस सब डबल रेट लेते हैं, देख सकते हो अभी एक कुरकुरे लिया 5 वाला जो कि 10 रुपये में मिला मेरे को, और जो नज़ारा है गाइस वो नेक्स्ट लेवल का, देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है देखने में। और अभी जो गाइस बहुत सारे लोग भी चढ़ने लग गए देख सकते हो, ऐसे गाइस देख सकते हो थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी बना हुआ है, अगर इस हाथ से घूम के जाए तो वहाँ आएंगे, तो इससे बढ़िया यहाँ से चढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा बारिश का मौसम है तो पत्थर वगैरह देख सकते हो स्लीपी हो रखा है, तो इतना रिस्क लेना अच्छा नहीं है, बट थोड़ा सा ठीक लगा मेरे को, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ, ये वाला ठीक ही है, ये वाला इतना ज़्यादा इस तो रुक गया गाइस, धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ, एंड ऊपर का जो नज़ारा है गाइस
देखने लायक है, नेक्स्ट लेवल का देख रहे हो गाइस। अभी तो फिलहाल फोक फोक हो रहा है, दिख नहीं रहा है कुछ भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है देखने में। दोबारा बारिश चालू हो गया, क्या बोलो, बारिश होता जा रहा है, रुकता जा रहा है, होता जा रहा है, रुकता जा रहा है। और ये देख सकते हो कितना मस्त मस्त जगह से मैं जा रहा हूँ अकेला अकेला, बहुत कम लोग जा रहे हैं गाइस। मेरे पीछे एक दो बंदा आ रहा है लेकिन सब एकदम बहुत खाली खाली है, थोड़ा तो गाइस डर भी लगता ही है ना गाइस ऐसे ऐसे कैसे। एंड गाइस वाटर क्रॉसिंग मिल गया भाई साहब, पैर धो लेता हूँ मस्त। और गाइस आप लोग ये चप्पल पहन के मत आना बारिश के टाइम पे, चप्पल जो है ना गाइस वो हो जाता है, मतलब कि जो है ना स्लिप कट जाते हैं, पैर के अंदर घुस जाता है चप्पल, तो मैं तो चप्पल पहन के आ गया, बाकी आप लोग मत आना बारिश के सीजन पे। और ये मिला एक वाटरफॉल देख सकते हो कितना मस्त भाई साहब, इसमें तो सुविधा ही भी है जाने का साइड से, देख रहे हो गाइस सुविधा ही इसमें पूरा है एकदम। हाँ भाई साहब पूरा ठंडा ठंडा पानी है गाइस, पूरा ठंडा ठंडा पानी है, देख रहे हो गाइस पूरा अकेला अकेला चल रहा हूँ। ये देखो इधर भी देखो कोई नहीं है, थोड़ा गाइस मतलब डर भी लग रहा है, मतलब अकेला अकेला, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, क्या करेगा इस लोग है नहीं तो अकेला ही चलना पड़ेगा, थकान भी हो रहा है गाइस, फिर भी व्लॉग बनाना नहीं छोड़ रहा गाइस। ये जो ट्रैक है गाइस उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, मतलब क्या ही बोलूँ, यहाँ पर हर हर महादेव बोलने वाला कोई नहीं है, जय श्री राम बोलने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हर कोई बस अपने मतलब से आराम आराम से चल रहा है गाइस, उतना ज़्यादा मज़ा इस ट्रैक पे आ नहीं रहा है। तो फिर भी गाइस और एक डेढ़ किलोमीटर कुछ रह गया, चलते हैं आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं वहाँ पर क्या है क्या नहीं। तो एकदम विजिबिलिटी गाइस एकदम जीरो है, देख सकते हो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब मैं जब भी पहाड़ में चढ़ता हूँ गाइस बारिश एंड एकदम विजिबिलिटी जीरो रहता है गाइस, ऐसा ही मेरा नसीब है। तो ऐसे ऊपर तो पहुंच गया, देखते तो बहुत ज़्यादा ठंड है, आप लोग आओ तो जरूर मतलब साथ में कपड़ों पर पहन के, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और ये देख सकते हो ये मतलब कुछ सेंटर है यहाँ पर, कुछ मंदिर वगैरह बना हुआ है, ये क्या है ये क्या है, बहुत सारा आएगा इस। और पारसनाथ जाएगा कुछ हाफ किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर इधर से पारसनाथ चढ़ना पड़ेगा, तो विजिबिलिटी एकदम जीरो है, नहीं तो गाइस बहुत मस्त व्यू होता है एकदम। और ठंड इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है गाइस। मैं तो 8:30 बजे पहुंच गया था लेकिन थोड़ा आराम से यहाँ पर बैठा हुआ था, अभी 9 बज गया, 9 बज के कुछ मिनट हो रहा होगा, 5-10 मिनट चलते हैं फिलहाल पारसनाथ। और एकदम विजिबिलिटी एकदम जीरो है, थोड़ा सा गाइस विजिबिलिटी होना चाहिए था, इतना ऊपर आया इतना मेहनत करके थोड़ा सा अच्छा व्यू देखने के लिए, लेकिन गाइस क्या करें किस्मत ही मेरा ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे देखते हैं, शायद क्या पता धूप वूप निकल जाए। गाइस फाइनली पहुंच गया गाइस, देख सकते हो एकदम जीरो विजिबिलिटी है, देखो कुछ दिख नहीं रहा गाइस, थोड़ा सा ट्रैकिंग करने के बाद गाइस वहाँ से पहुँच गया। एंड गाइस पारसनाथ तो अभी अंदर दर्शन करते हैं गाइस, देख सकते हो अंदर कुछ इस टाइप है पारसनाथ मंदिर। वेरी गुड वेरी गुड। इसका एक बार चक्कर लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को, अगर ये विजिबिलिटी रहता ना गाइस इतना मस्त वाला है, आप लोगों का मन भर जाता देख के, लेकिन अब देखो एकदम जीरो विजिबिलिटी हो रखा है और नीचे पूरा खाई है गाइस। तो गाइस कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या ही दिखाओ, देखो एकदम जीरो विजिबिलिटी है, हल्का हल्का सा दिख रहा होगा गाइस, ये जो पेड़ है पूरा एकदम धुंध हो रखा है। एंड यहाँ पर लोग भी आ रखे हैं गाइस बहुत ज्यादा, ओ गाइस बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है, देख सकते हो सरील का एकदम, एंड एकदम जीरो विजिबिलिटी है गाइस, थोड़ा सा विजिबिलिटी हो जाता है, एक फोटो वोटो शूट भी कर लेता मस्त, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी हो जाए, एकदम जीरो विजिबिलिटी हो रखे भाई साहब, इतना तेज आवाज चल रहा है ना, फोन भी हाथ से उड़ा के ले जा रहा है ऐसा लग रहा है, तेज हवा चल रहा है, लोगों को तो पता चल ही रहा है आप लोग भी देख के, एक तेज हवा चल रहा है। तो गाइस अभी जा रहा हूँ नीचे, मतलब विजिबिलिटी तो यहाँ पर होने नहीं वाला, बारिश बहुत तेज हो रहा है, तो यहाँ पर रुकेंगे तो गाइस तबीयत तो खराब हो सकता है, तो नीचे चलते हैं डायरेक्ट। यही पे जो गाइस चाय मिल रहा था मस्त देख सकते हो एकदम यहाँ पर, और पानी भी प्रिय है गाइस, चाय भी मिल रहा था तो चाय पी लेते गाइस, शरीर गर्म कर लेते, इतना ज़्यादा ठंड है ना एकदम, क्या ही बोलूँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी खा रहा हूँ गाइस भुट्टा जो कि 30 रुपये का मिल रहा है, एंड मैगी गाइस 50 रुपीज़ का प्लेट है गाइस, इतना महंगा है,
उससे अच्छा होता गाइस बुटीन के साथ में लेके आ जाता, सही सबसे बेस्ट रहता। देख सकते हो यहाँ पर, मेरे को लगा ज़्यादा महंगा होगा नहीं गाइस, कुछ 9 किलोमीटर का तो ट्रैक है एंड यहाँ पर बाइक वगैरह की भी सुविधा है, ट्रांसपोर्ट का सुविधा है ही है, लगा नहीं था गाइस इतना महंगा होगा, बट महंगा बहुत ज़्यादा है। बुटीन गैस साथ में लेके आना चाहिए था। तो अभी भुट्टा खा रहे कुछ 30 रुपये का, देख सकते हो, देख रहे गाइस 30 रुपये का भुट्टा खरीद के खा रहा हूँ, 10 वाला भुट्टा 30 रुपये का। मैं भी लगाऊंगा गाइस पहाड़ पे भुट्टे का दुकान, फिर रखेंगे द अन्नू भुट्टे वाला गाइस दुकान का नाम, आप लोग आ जाना, आप लोगों को 20 रुपये करके दे देंगे भुट्टा, इधर 30 रुपये करके खा रहा हूँ मैं। उतरते टाइम तो गाइस अपना आप ही ले जाएगा मेरे को चलना ही नहीं पड़ेगा, चढ़ते टाइम गाइस 3 घंटा लग गया था एंड उतरते टाइम देखते हैं कितना टाइम लगता है, आप लोगों को बताएंगे, डायरेक्ट नीचे जाके मिलते हैं आप लोगों से। मैं भी गाइस धीरे धीरे करके पहाड़ से उतर के आ रहा हूँ एंड देख रहा हूँ पहाड़ का भी अपना अपना रंग बदल ले रहा है, मतलब विजिबिलिटी पूरा हो रहा है देख सकते हो, लेकिन शायद गाइस मंदिर में अभी भी नहीं होगा, देख सकते हो पूरा धुंध है ऊपर, उधर ही मंदिर है। क्या बोलो गाइस मेरा बैड लग है, बट मज़ा तो गाइस बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि जो है मतलब धुंध जब हो रहा था लग रहा था कि बर्फ गिर रहा है, इतना ज़्यादा ठंड हो रखा था। देख सकते हो गाइस ऊपर से कुछ इस टाइप का दिखता है, ये है मधुवन जय का जो नाम है गाइस, जो पारसनाथ हिल बसा हुआ है गाइस मधुबन में। तो गाइस फाइनली उतर गया, देख सकते हो ये रहा गेट एंड गाइस अभी जाके देख रहे हैं कहीं खाने पीने का, क्योंकि 1 बज गया, लंच टाइम हो गया तो खा पी लेते। तो गाइस मैं रूम पे आ गया, वहाँ से कुछ कचौरी वगैरह खा के, मतलब चावल का रेट कुछ ज़्यादा ही था तो इसकी वजह से पूरी सब्जी, मतलब यहाँ पर जो गाइस पूरी सब्जी को कचौरी बोलते हैं, तो वही खा के आ गया। और गाइस ये भी कन्फर्म हो गया कि ऐसे मेरे को निकलना है, क्योंकि यहाँ पर कोई और आने वाला है 6 बजे, तो निकल जाना पड़ेगा। फिलहाल टाइम हो रहा है कुछ, देख सकते हो गाइस पूरा 1:01 बज रहा है, तो मतलब मैं यहाँ से निकलने वाला 3 बजे, यानी 2 घंटा एडिटिंग वगैरह कर लेता आराम से बैठ के, तो मिलते हैं गाइस डायरेक्ट 3 बजे। टाइम तो गाइस 3:30 हो गया देख सकते हो, लेकिन बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, क्या बोलो मतलब निकल ही नहीं पा रहा हूँ मैं, 3 बजे से यहाँ पर खा रहा हूँ लेकिन बारिश ही हो रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, भगवान करे गाइस बारिश रुक जाए। तो गाइस बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो बारिश में ही निकल रहा हूँ, क्या करेंगे गाइस, देख सकते हो 3:45 हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, फिर मतलब रहने का जगह भी तो ढूंढना पड़ेगा ना गाइस, रात को 10-5 किलोमीटर शायद ही चला पाएंगे आज साइकिल, तो निकलते हैं गाइस अभी डायरेक्ट मिलते हैं कहीं और जाके, ज़्यादा सीन दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो चुका है, मतलब अभी जाऊंगा देखते हैं कहीं स्टे वस्टे मिलते हैं वहीं पर जाके दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो गाइस रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप लोग एक बार दिखा देते, देख सकते हो 9 बजने वाला है और साइकिल गाइस इधर रख दिया, रखने का थोड़ा जगह मुश्किल हुआ आज, मतलब मिल नहीं रहा था जगह, तब जगह जो गाइस एक ढाबा मिल गया, ये भैया लोग मिला था यहाँ पर, मतलब दूसरे का इस ढाबा में गया तो 100 रुपये मांग रहा था और ये भैया लोग जो फ्री में मेरे को दे दिया यहाँ पर रहने के लिए, देख सकते हो मस्त, तो ये यहाँ पर रखा हो और चार्जिंग वर्जिंग लगाने का सुविधा ही है, तो मस्त का चार्जिंग वर्जिंग कर लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हुआ लेकिन गई जगह मिल गया। और कुछ जो धनबाद जो है कुछ 40 या 42 किलोमीटर कुछ रह गया ना, कुछ 40 किलोमीटर रह गया होगा। तो इस ब्लॉग को कैसे यही पेन कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।